कैसे में सब लोग मैं हरेंद्र भाटी एग्जाम पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों जल्दी से आ जाइए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फिर क्लास से स्टार्ट करेंगे उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे अच्छे से तैयारी करेंगे बच्चों मेहनत कर रहे होंगे और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी और साइंस के मिक्स सवाल ठीक है भाई तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आएगी और हां एक और जानकारी आपको देनी खास कि अगर आप यूपी ट्रप्ल सी पैट की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभिमन्यु बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लेना भाई नौ सौ निन्यानवे का बैच है लेकिन अगर आप तो पीटी फोर्टी की मिल जाएगी छूट और ये मिल जाएगा आपको कितना पांच सौ निन्यानवे तो इसका फायदा उठाइए जल्दी से बच्चों शानदार क्लासेस की स्टार्ट हो चुकी है ठीक है भाई उसके अलावा अगर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों ठीक है भाई उसके अलावा उसके अलावा बच्चों एक खास जानकारी और है आप लोगों के लिए ये बच्चों क्या है कि एक बैच आने वाला है मतलब कहते हैं जीएस मंथन के नाम से खास तो याद रखेंगे भाई तो यहां पर कुछ खास है आप लोगों के लिए क्या खास बात है इसमें ठीक है तो या, इस, इस चीज को जानने के लिए बच्चों जो आप जुड़ेंगे क्या 20 अगस्त को शाम पर तो जीएस मंथन आपकी संपूर्ण जीएस की समस्याओं का समाधान आपको यहां पर मिलने वाला है ठीक है मतलब आपको जीएस के लिए मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेबल के लिए अलग पैट के लिए अलग लेखपाल के लिए यूपीएसआई के लिए अलग अलग जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पूरा वनडे एग्जाम्स को टारगेट करके कुछ ऐसा जीएस के लिए खास है तो क्या

इसे इंस्टॉल कर लेना सारे के सारे बच्चे ठीक है बाद में इस पर क्या कर सकते हैं आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं भाई उसके अलावा अब आ जाते हैं बच्चों सवालों की तरफ जल्दी से सारे के सारे बच्चे जुड़ जाइए बच्चों ठीक है भाई अंशिका अनामिका शीमा तनु मिश्रा प्रिया अंजलि मुस्कान सिंह राधे राधे बच्चों सभी को सभी सभी को नमस्कार बच्चों तो स्टार्ट करते हैं क्लास बिना देरी के पहला सवाल बच्चों क्या है किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था तो ये आपके सामने यहां पर दिख रहा है आगरा का किला ठीक है बच्चों तो आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था आपको यही बताना है बच्चों ठीक है इसके नीचे क्या है मैं भी आपको बताने वाला हूं पहले आप मुझे सवाल का राइट आंसर देंगे कि आगरा के किले का जो निर्माण है ये किसके द्वारा कराया गया था बच्चों जल्दी से सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर हाँ जी सभी बच्चों को राधे राधे सभी को नमस्कार सभी को गुड इवनिंग दोस्तों क्लास की तरफ मुड़ते हैं ना सवालों के जवाब दीजिए तो यहां पर बच्चों सवाल का राइट आंसर क्या आपका अकबर आपके सवाल का यहां पर सही जवाब हो जाएगा ठीक है अकबर के द्वारा विश्व इसका निर्माण कराया जाता है उसके अलावा

और कह सकते हैं मोती मस्जिद का निर्माण किया गया औरंगजेब के बारे में आपको पता होगा इसे जिंदा पीर कहा जाता था बच्चों क्या है जिंदा पीर इसे बोलते थे इसी को आलमगीर कहा जाता था बच्चों इसी को आलमगीर कहा जाता है भी आपको पता होना चाहिए इसी के समय पर सर्वाधिक बच्चों क्या है हिंदू पदाधिकारी इसी के समय पर थे, के समय पर पर थे औरंगजेब के के ठीक है बच्चों हिसाब से इसने कानून मतलब कैसे अपना शासन व्यवस्था जो है वो चलाई वो भी आपको पता होना चाहिए उसके अलावा औरंगजेब के बारे में बात कर सकते हैं इसने दक्षिण विजय अभियान जो इसने प्रारंभ किया था यह भी आपको पता होगा उसके अलावा जहांगीर के बारे में आपसे बात कीजिए बच्चों तो क्या खास है जहांगीर के बारे में तो ये फेमस था अपनी न्याय के लिए या कह सकते हैं न्याय की जंजीर के लिए बच्चों आपका जहांगीर यहां पर क्या होता है फेमस होता है सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया है बी आपके सवाल का राइट आंसर होगा और अकबर के द्वारा ही एक धर्म धर्म चलाया गया था जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है बच्चों क्या दीन ए इलाही धर्म यह बात पता होना चाहिए तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा लगाया मतलब हटाया गया था उसके अलावा जजिया कर को अकबर के द्वारा हटाया गया था तो ये सारी बातें अकबर के बारे में बच्चों अकबर के ही शासन काल को पेटिकोट शासन भी कहा गया बचपन जब आ, कह सकते हैं बच्चों कि बैरम खान के हटने के बाद बैरम खान के संरक्षक जो इनके होते हैं उसके बाद इनकी माता का रोल इनके शासन में जो है बढ़ जाता है जिससे वजह से इस समय के शासन काल को पेटीकोट शासन भी कहा जाता है तो यहां पर देखेंगे बी अगला सवाल देखेंगे पहला सवाल था ये दूसरा सवाल बताइए एक और बेहतरीन सवाल कि दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था बताइए सारे बच्चे सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था इसमें से क्या होगा आपके सवाल का सर। तो यहां पर अगर आप सर कैसे हो मैं एकदम अच्छा हूं बच्चा अच्छा हूं आप कैसे आप एकदम अच्छे हैं ना आप अच्छे बस मैं भी अच्छा हूं ऐसा मान लीजिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों तो यहां पर बच्चों सबसे पहले तो कह सकते हैं सहायक संधि यहां पर लेकर कौन आया

मतलब सवाल का राइट आंसर क्या है? बी आपके सवाल का सही जवाब है तीसरा नंबर किसका है? बताइए सारे बच्चे तीसरे नंबर पर यहां पर कौन अडोप्ट करता है हाँ जी जल्दी से सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर भाई सत्रह सौ अट्ठानवे में तो आपका इसने कर लिया सत्रह में जो है ये कर लेता है सत्रह में बच्चों क्या लेते हैं आपका मैसूर कर लेता है तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका तंजोर तंजोर कब करता तंजोर जो है सत्रह सो सहायक संधि आपका स्वीकार कर लेता है इसके बाद आपका में अवध आ जाएगा बच्चों में क्या आ जाएगा अवध आ जाएगा बच्चों कौन सा अठारह सौ एक में हालांकि आपको पता है कि अवध जो है अवध को जो हटाया गया था कुशासन के आधार पर हटाया गया था समझे बच्चों अच्छा इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ये सब तो ठीक है सहायक संधि वेलेजली ने दी थी हड़प की नीति के आधार पर कौन हटाएगा तो सारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे बच्चों क्या होगा आपके सवाल राइट आंसर हाँ जी जल्दी से सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे हड़प की नीति कौन लेकर आता है तो बच्चों यहां पर याद रखेंगे लॉर्ड डलहोजी कौन लेकर आता है डलहोजी के द्वारा ना डल के द्वारा बच्चों हड़प की नीति लाई जाती है और यहां पर हड़प की नीति के तहत पहला राज्य जिस पर अधिकार किया था कौन सा होता है बच्चों हाँ जी यहां पर तो मैंने बता दिया यहां पर कौन होगा बच्चों पहला है सतारा पहला हो जाएगा सतारा सतारा के बाद बच्चों हो जाएगा जैतपुर सतारा के बाद जैतपुर इसके बाद कौन हो जाएगा संभलपुर है ना इसके बाद कौन हो जाएगा बच्चों संभलपुर हो जाएगा तो ये सारी बातें भी आप लोग अच्छे से यहां पर याद रखेंगे इसके बाद आप कह सकते हैं झांसी इसके बाद आप कह सकते बच्चों क्या है झांसी आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हैं और सवाल का राइट आंसर बच्चों ये भी क्लियर है के भैया बी आपके सवाल का क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर समझे बच्चों बहुत शानदार और बेहतरीन सारे बच्चे जवाब देने दोस्तों अगला सवाल देखते सवाल कहता है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है 732 मीटर पर बच्चों क्या है आपका स्थित है और ये कौन सी चोटी है जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं किस चोटी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे बच्चों हाँ जी किसके बारे में यहां पर बात कर दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए तो 732 मीटर जो कि अंडमान निकोबार की, की सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है सैंडल पीक कौन सी बच्चों सैंडल पीक मतलब सी आपके सवाल का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समझे बच्चों इतनी बात जी हाँ समझे इतनी बात बच्चों अच्छा यहीं पर माउंट डिओ भी मिलेगी समझे माउंट डिओ भी आपको यहीं पर मिलेगी नोट कर लेना आप चाहें तो कौन सी बच्चों माउंट डिओ की बात कर रहे हैं बच्चों किसकी माउंट डिओ की यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर इसकी हाइट कितनी है? क्योंकि सेकंड नंबर पर आपका माउंट डिओविली है और ये आपको मिलेगी मध्य अंडमान में कहां पर मिलेगी आप चाहे तो लिख सकते हैं जैसे उत्तर अंडमान में ऐसे ये कहां पर मिलेगी मध्य अंडमान में बच्चों याद रखेंगे ये कहां पर मिलेगी मध्य अंडमान में आपको देखने को मिलेगी ये बच्चों क्या है दूसरी सबसे ऊंची चोटी और इसकी हाइट के बारे में आप कह सकते हैं बच्चों कितना तो पांच मीटर ना पांच मीटर आप कह सकते हैं इसकी हाइट है डिओवली अच्छा एग्जामिनर अगर थोड़ा सा नलायक है तो आपसे पूछ सकता है कि तीसरे नंबर पर सबसे छोटी ऊंची कौन हो जाएगी तो माउंट कोयोबो कौन सी बच्चों तो ये भी नोट नोट कर लो माउंट कोयोबो आप याद रखेंगे बच्चों माउंट कोयोबो आप याद रखेंगे हिसाब से ऊंची चोटी है ये बात आपको पता होना चाहिए और ये मिलेगी आपको दक्षिण अंडमान में ये कहां पर मिलेगी दोस्तों दक्षिण अंडमान में आपको ये देखने को मिलेगी ठीक है भाई दक्षिण अंडमान में आपको तीसरी चोटी मिलेगी लेकिन इसकी हाइट आप लोगों से पूछे तो आप यहां पर बोलेंगे चार मीटर कितनी बच्चों चार मीटर कह सकते हैं तो यहां पर सवाल का राइट आंसर ये अच्छा अंडमान निकोबार में आपसे दो तीन सवाल और महत्वपूर्ण सवाल आपसे यहां से बन सकते हैं क्या क्या बच्चों हां जी अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में किस द्वीप पर है तो बच्चों अगर आपसे पूछा है पोर्ट ब्लेयर कहां पर है अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पोर्ट ब्लेयर कहां पर है तो आप क्या बोलेंगे दक्षिण अंडमान में बच्चों कहां पर है दक्षिण अंडमान में ठीक है बच्चों कहां पर बच्चों दक्षिण अंडमान में। जान लेना ये सवाल आप लोगों से पूछा गया एक और बात एक और सवाल पूछा गया कि भारत का सदर्न पॉइंट हां जी भारत का दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु आप लोगों से पूछा गया दोस्तों दक्षिणतम बिंदु आप लोगों से पूछा गया तो क्या जवाब देंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो यहां पर बड़ी मजेदार सी बात यह है कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है हाँ जी तो कन्याकुमारी आप कह सकते हैं है ना केप ना आप सकते हैं लेकिन यहां पर क्या है कि भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि नहीं तो ये कौन सा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे कौन सा बच्चों इंदिरा पॉइंट अब मजेदार बात क्या होता है पता है कि कई बार इंदिरा पॉइंट नहीं लिखा मिलता क्या मिलता है उसकी जगह हाँ जी पार्सन पॉइंट लिखा रहता ना पॉइंट अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अच्छा पॉइंट पॉइंट है तो भैया इसी को कहते हैं अच्छा इसकी जगह एक और नाम कई बार आपको देखने को मिल जाता पिगमेलियन पॉइंट है ना कौन सा बच्चों पिगमेलियन पॉइंट याद रखेंगे बच्चों पिगमेलियन पॉइंट इसे कह सकते हैं अच्छा कई बार हो सकता है कि सीधे सीधे डिग्री लिख दे तो याद रखें कहां पर ये छह डिग्री चार मिनट पर आपको देखने को मिलेगा या नॉर्थ की जगह आपको भी पूरा लिखा मिल सकता है। वैसे लेकिन पूछ लिया भैया ये सब तो ठीक है इंदिरा पॉइंट सबको पता है मुद्दा है कि इंदिरा पॉइंट कहां पर है अंडमान निकोबार में किस द्वीप पर है तो यहां पर आप दोस्तों याद रखेंगे कि यह मिलेगा आपको कहां पर हाँ जी ग्रेट निकोबार में दोस्तों ठीक है याद रखेंगे बच्चों। कहां पर? ग्रेट सवाल पूछा जाएगा आपसे आप मुझे आप कमेंट करके जवाब देंगे सारे बच्चे कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला डिग्री चैनल कौन सा है अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला डिग्री चैनल आप लोगों से पूछा जा सकता है और यह पूछा जा चुका है

अच्छा डिग्री चैनल क्या होता है तो जो अक्षांश रेखा जल के ऊपर जो अक्षांश रेखा होती है समुद्र में उसे चैनल के नाम से बोल देते हैं हम ठीक है तो इस वजह से 10 डिग्री अक्षांश बोल सकते हैं इसे या 10 डिग्री चैनल आप कह सकते हैं तो इस हिसाब से बच्चों सवाल का राइट आंसर आपको बता दिया पूरा मैप भी इसका मैंने बता दिया बाकी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बहुत शानदार बच्चों क्लास में मजा आ रहा है ना मजा आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ अगला सवाल देखते हैं सवाल कुडन कुलम परियोजना किस राज्य में है? एक और बेहतरीन सवाल कुडन परियोजना जो है, है? बताइए हाँ सारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे कहां पर आपको देखने को कुडन कुलम परियोजना ये आपका, कुडन का जो पावर प्लांट है ये आपको देखने को एक तरीके से कह सकते हैं आपका जो है एटॉमिक पावर प्लांट आप इसे पावर प्लांट कह सकते हैं आपको कहां पर मिलेगा दोस्तों तमिलनाडु कहां पर बच्चों इतनी बात कहां पर भाई तमिलनाडु में बहुत ही शानदार बेहतरीन सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बच्चों बहुत है, है, है बच्चों आपका क्या कुडनकुलम यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा, बच्चो, मिलेगा। समझे बच्चों इतनी बात हां जी तो अगर यहां से आप लोगों से पूछा बच्चों यहां पर आपको मिलेगा तारापुर यह आपका बच्चों क्या है तारापुर जो कि पहला होता है ये बच्चों क्या आपका यहां पर तारापुर हो सकता है आपको क्लियर यहां पर ना दिख रहा हो लेकिन मैं आपको बता दू महाराष्ट्र में जो तारापुर है ये पहला होता है बच्चों ये आपका क्या होता है पहला और ये आपका कुडन कुलम आपका यहां पर है तमिलनाडु में ठीक है अच्छा ये सब तो ठीक है तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है अगर आप लोगों से पूछा जाए कि तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं तो याद रखेंगे बच्चों किस नाम से कोरोमंडल तट से बच्चों किस नाम से कोरोमंडल के तट के नाम से बच्चों इसे जानते हैं ये बात भी आपको पता होना चाहिए अगला सवाल देख लेते हैं भाई कि विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है एक और बेहतरीन सवाल

मतलब आप अंटार्टिका को पहले रख देंगे यहां पर आपका अंटार्टिका मिलेगा तो अंटार्क्टिका उसके बाद आप बच्चों आपका यूरोप यूरोप के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया या आप कह सकते हैं तो चौथे नंबर पर आपका क्या है दक्षिण अमेरिका चौथे चौथे नंबर नंबर पर पर आपका आपका क्या बच्चों दक्षिण अमेरिका हो जाएगा इसी तरीके से याद रखेंगे एशिया तरीके से लगाओ ना एशिया है ना उसके बाद बच्चों कह सकते हैं आप लोग जो है यहां पर हो जाएगा ये ठीक है भाई यहां पर हो जाएगा बच्चों क्या आपका एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका तो चौथे नंबर पर आपका ये हो जाएगा अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों याद रखेंगे कौन सा है ब्राजील कौन सा है भाई ब्राजील ठीक है भाई तो याद यहां सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया दक्षिण अमेरिका बाकी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बच्चों बहुत शानदार गुरुजी अच्छा एक बच्चे ने पूछा गुरु जी जो कह सकते डिग्री चैनल और जल डमरू मध्य एक ही होते है? ना 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 भैया गलती नहीं करनी है जल डमरू मध्य और डिग्री चैनल का कोई लेना देना नहीं है ठीक है जो डिग्री चैनल मतलब कह सकते हैं डिग्री चैनल चैनल और डिग्री चैनल में अंतर होता है भैया चैनल का मतलब तरीके से मिलाना एक तरीके से उसे कह सकते हैं आप लोग चैनल आप जल डमरू मध्य से हो सकता है आप जोड़ लें लेकिन डिग्री चैनल का मतलब है अक्षांश रेखा ठीक है भाई हो सकता है जैसे मान लेते हैं बच्चों आप लोग कह सकते हैं कि यहां पर आपका यहां पर आपका जल डमरू मध्य समझ लीजिए जल है तो जल डमरू मतलब डमरू की जैसी आकृति बन गई ना ये भाई डमरू की जैसी आकृति बन गई ना या इसे और थोड़ा बेहतर तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे समझ लीजिए जैसी आकृति बनी तो ये मान लेते हैं स्थल है ये मान लेते हैं आपका स्थल है ये आपका जल है या आपका बच्चों की तो जैसी आकृति बन गई तो जल डमरू मध्य मत मतलब दो जल को मिलाना यह जल डमरू मध्य डिग्री चैनल का मतलब तो तो सिर्फ इतना है कि अक्षांश रेखा आप कह सकते हैं तो यहां पर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी समझे बच्चों बहुत ही शानदार बेहतरीन सारे बच्चे जवाब दे दोस्तों अगला सवाल देखते हैं सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश है ना यहां पर देख रहे हैं बच्चों विनिवेश आयोग से संबंधित है तो बताइए जल्दी से से कि विनिवेश आयोग आपका कौन सा संबंधित है सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भैया विनिवेश या, या होता क्या है हाँ जी विनिवेश होता क्या है कि भैया अगर आप कोई नई चीज खरीदते हैं आप क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आप अपनी चीज को क्या करें बेच रहे हैं दिर न? दिर न? वापस आप पैसा ले रहे हैं तो इसे क्या हो गया डिस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई दुकान खरीद ली है ना आपने कोई होटल खरीद लिया या आपने क्या किया इन्वेस्टमेंट आपने अपना होटल बेच दिया ये क्या हो गया? तो यहां पर सरकार के लिए संबंधित है समझे बच्चों बच्चो बच्चो इतनी बात हाँ जी क्योंकि 90, 91, 92 में हमने क्या डिस इनवेस्टमेंट हमने शुरू किया था ये बात आपको पता होना चाहिए कुल मिला के बोलेंगे सवाल का राइट आंसर क्या बच्चों सवाल का यहां पर सही जवाब है समझे भाई बहुत शानदार बेहतरीन सारे बच्चे यहां पर जवाब देने बच्चों हाँ जी अगर आपसे पूछा जाए कि विनिवेश या डिस्ट इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट या विभाग की स्थापना कब की जाती है तो 1999 में डिस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट या विनिवेश विभाग की स्थापना की जाती है इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है बच्चों मतलब इस समिति ने डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या क्या था रिकमेंडेशन दी थी या सुझाव दिया था यह बात आप याद रखेंगे अगला सवाल देखेंगे आयात निर्यात बैंक या एग्जिम बैंक है ना एक्सिम बैंक बच्चों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ये कैसी बैंक है बच्चों ये नॉन कॉमर्शियल बैंक है समझे ये क्या बच्चों नॉन कॉमर्शियल बैंक देखिए आप याद रखिए बैंक दरअसल दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंक क्या, क्या होती है, तो है कि भैया आपके साथ सीधे डील कर रही है जिस भी बैंक में आपका खाता है आप क्या है वो कॉमर्शियल बैंक है चाहे पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लो आईसीआईसी की बात कर लो एसडीएफसी की बात कर लो ठीक है एक्सिस बैंक मतलब सारे बैंक जिनमें आपके बैंक अकाउंट है जो सीधे पब्लिक के साथ डील करते हैं कॉमर्शियल बैंक है। नॉन मर्शियल बैंक जो सीधे पब्लिक के साथ डील नहीं कर रही है यह क्या है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी या बैंक के साथ डील कर रही है जैसे आपका नाबार्ड हो गया ठीक तो है तो यहां पर बच्चों एक्सिम बैंक के बारे में आपसे पूछा स्थापना आपका पर बोलेंगे 1982 में क्या होती है बच्चों इसकी स्थापना मतलब बी आपके सवाल का यहां पर राइट आंसर है समझे बच्चों इतनी बात हाँ जी बहुत ही शानदार और बेहतरीन सारे बच्चे यहां पर जवाब दे रहे बच्चों ठीक है अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों सवाल क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे संबंधित है बताइए जरा भाई शिक्षा के अधिकार हाँ के बारे में बात करें अनुच्छेद उन्तीस और तीस हां जी ये किसके बारे में भाई जी हाँ जी जल्दी से बताइए तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहा जाता है हाँ जी आर्टिकल १९ स्वतंत्रता का अधिकार लेकिन आर्टिकल 21 ए ये स्पेशली राइट टू एजुकेशन के बारे में है किसके बारे में राइट टू एजुकेशन के बारे में लेकिन 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 ये जो ए यहां पर लगा, मतलब लगा हुआ है इसका मतलब क्या है बच्चों ये बाद में जोड़ा हर एक ए नहीं जो कैपिटल में में लगा हुआ है है इसका मतलब क्या इसे बाद जोड़ा गया और अगर बाद में जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया बच्चों तो यहां पर याद रखेंगे अमेंडमेंट आपका किया जाता है कौन सा एट्टी सिक्स अमेंडमेंट किया जाता है बच्चों कब सन दो हजार दो में ठीक है और इसके तहत बच्चों क्या आर्टिकल ट्वेंटी वन ए को जोड़ा गया ठीक है लेकिन मुद्दा यह है कि इसे पारित कब किया गया था छियासीवे संविधान संशोधन को इसे पारित कब किया गया मजेदार बात तो यही कि एग्जाम ने एक बार यह पूछा था इसे पारित कब किया गया तो इसे पारित किया गया बच्चों कब दो में इसे पारित किया जाता है उससे भी मजेदार बात है आपसे पूछा गया तो शिक्षा के अधिकार को लागू कब किया गया या बोलेंगे इसे लागू कब किया गया अगर आपसे लागू पूछा जाए तो याद रखेंगे कि फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 2010 को इसे क्या किया जाता है दोस्तों लागू किया जाता है क्लियर है बच्चों ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा है था आप चाहे तो इस पर स्टार लगा सकते हैं ना आप चाहे तो इस पर स्टार लगा सकते हैं सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए मतलब क्या समझ चुका है कि भैया डी आपके सवाल का राइट आंसर है बहुत ही शानदार और बेहतरीन सारे बच्चों के मुझे जवाब यहां पर मिल रहे हैं अभी ऐसे जवाब दीजिए सच में आपका सलेक्शन कोई भी नहीं रोकने वाला बच्चों जब कभी भी आपका सलेक्शन रुकता है तो ऐसा मान लीजिए कि आप खुद ही होते हैं जो आपका सिलेक्शन रोक रहे होते हैं क्योंकि आप रेगुलर नहीं है क्योंकि आप पंचुअल नहीं है ठीक है भाई सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया बच्चों डी आपके सवाल का यहां पर राइट आंसर है बाकी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ अच्छा देखो यहां पर एक कोटेशन द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं किसने कहा था तो नेल्सन ने मंडेला ने कहा था किसने बच्चों नेल्सन मंडेला ने कहा था ये यह आपके यहां सामने यहां पर लिखा हुआ है बाकी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ सवाल है कि मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे फांसी की सजा अंतिम अपील न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद आप जो है क्षमा याचना कहां पर करेंगे तो आपके पास दो रास्ते होते हैं जब मान लेते फैसला आपके खिलाफ सुना दिया तो आपके पास दो रास्ते है एक है बच्चों आपका आर्टिकल वन ठीक है बच्चों एक है आपका बच्चों कौन सा आर्टिकल 72 तो यहां पर आप राज्यपाल के पास जाते हैं तो यह क्षमादान का यह अधिकार इनके पास है नहीं तो आर्टिकल 72 बच्चों क्या करता है आपका क्षमादान की बात करता है ये कौन देगा तो राष्ट्रपति आपको क्षमादान देंगे ठीक है बच्चों क्योंकि जो राज्यपाल है ना वो मृत्युदंड की सजा माफ नहीं कर सकता है वो कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा माफ नहीं कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति के पास आपका यह अधिकार होता है यह बात आपको पता होना चाहिए सवाल का राइट आंसर राष्ट्रपति है लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं या वर्तमान में कौन है आप मुझे पहले तो मैंने बता दिया राजेंद्र प्रसाद जो कि आपको पता भी होगा वर्तमान में या प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति कौन है बताइए कमेंट करके सारे बच्चे बच्चे देखता हूं कितने बच्चे आपके आप में से सही जवाब देने वाले दोस्तों बाकी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बहुत ही बेहतरीन और शानदार सारे बच्चे यहां पर जवाब देने बच्चों हां जी बहुत ही शानदार अगला सवाल देखते हैं भाई सवाल के सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है बताइए जल्दी से तब तक मैं एक बच्चे का कमेंट देख रहा हूं एक बच्चे ने कुछ कमेंट किया दस डिग्री चैनल तब जल डब्लू मध्य वाला अरे बच्चा बिल्कुल देखो डिग्री चैनल जो है आप लोग ऐसा थोड़ा ना जहां जहां से अक्षांश गुजर हर जगह जल डब्लू मध्य होगा ऐसा तो नहीं है ना हाँ हो सकता है कहीं पर ऐसा हो कहीं पर ऐसा अक्षांश हो जहां पर क्या है वहां जल डबरू मध्य भी बन रहा हो लेकिन हर एक जल मध्य पे इस तरीके से हो ना दोनों में अंतर है इतना समझ लीजिए बस ठीक है बाकी आप एप्लीकेशन पे आइए थोड़ा सा डिटेल में आपको वहां पर ज्योग्राफी में आपको बताया जाता है ठीक है यहां पर भी बता सकते हैं स्पेशल क्लासेज सैटरडे संडे जैसे मान लेते हैं थ्योरी क्लासेस वगैरह लेते हैं जैसे इस बार संडे में भूकंपुर ज्वालामुखी की थ्योरी क्लास लेकर आ रहा हूं ठीक है अब मुझे बताइए सवाल का राइट आंसर भाई सागर की गहराई है ना सागर की गहराई जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा अच्छा सागर की गहराई से है? कुछ ऐसा था ना सागर की गहराई से गहरा है तेरा प्यार करके कुछ ऐसा गाना था ना पता नहीं अब तो मुझे याद दे रहा है मतलब आपके सवाल का राइट आंसर है ए आपके सवाल का राइट आंसर है बहुत ही शानदार बेहतरीन सारे बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चो सवाल देखेंगे कि माचिस हां जी माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिली टकराती है तो ऊर्जा कौन सा कौन सा रूप एक चमकीली में प्रज्वलित होने का कारण बनता है बच्चों मतलब होती है, या वहाँ पर आग जलती है, है। देखिए सवाल है, थोड़ा सा दिमाग मुझे पता है आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं ठीक है जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा यहां पर सवाल का राइट आंसर क्या बच्चों यहां पर वायु ऊर्जा होगी कहीं से कहीं तक लग रहा है वायु ऊर्जा होगी ऊर्जा ना ना यार ऊर्जा नहीं स्थिति ऊर्जा नहीं भाई नहीं तो रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल यहां पर बच्चों यही आपके सवाल का राइट आंसर होगा क्योंकि यहां पर क्या होता है ये लाल फास्फोरस लगा होता है यहां पर क्या होता है बच्चों ये लाल फास्फोरस याद रखेंगे यहां पर क्या होता है बच्चों लाल फास्फोरस आपका यहां पर लगा होता है ठीक है मतलब सवाल का राइट आंसर होगा क्या केमिकल एनर्जी मतलब सी सवाल का राइट आंसर है समझे भाई अरे वाह बेहतरीन मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब द्रोपी मुर्बी भी बहुत अच्छे अरे वाह बहुत शानदार भाई आप ऐसे जवाब देते सच में मजा आई क्लास में ना बेहतरीन सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं दोस्तों बेहतरीन अगला सवाल एक और बेहतरीन सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों सवाल क्या कहता है कि भाई क्रोमोजोन टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं टर्नर सिंड्रोम जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा आपके इस सवाल का राइट आंसर हाँ जी जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर यहां पर हाँ जी तो यहां पर अगर देखें बच्चों कि अगर देखें बच्चों एक होता है आपका फीमेल एक होता है आपका क्या फीमेल होता है एक होता है मेल तो अगर देखा जाए बच्चों तो पर पर अगर देखा जाए भैया तेईस जोड़ी गुणसूत्र जो, गुण होता है फीमेल के अंदर वो एक्स एक्स ही होता है, और यहां पर बच्चों, क्या होता है अगर यहां से तो हमेशा एक्स ही आएगा यहां से भी एक्स आया तो बच्चा क्या होगा बच्चों तो बच्चा यहां पर क्या होगा हाँ जी

मेल से डिसाइड हो रहा है मतलब पिता से क्या, क्या? अनुवांशिक विकार, विकार है ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे और दूसरी बात बच्चों मिलेगा आपको तो फोर्टी तो फिफ्थ में पैंतालीसवें गुणसूत्र में आपको देखने को मिलेगा कहां पर बच्चों पैंतालीसवें गुणसूत्र में आपको देखने को मिलेगा ठीक है इससे प्रभावित क्या होती है बच्चों यहाँ पर क्या होती है स्त्रियां होती है यहां पर क्या होती है दोस्तों स्त्रियां होती हैं जो कि क्या होंगी एक तरीके से बांझ होंगी बच्चों समझे बच्चों बहुत ही शानदार और बेहतरीन यहां पर सारे बच्चे चलो भाई अगला सवाल देखते हैं दोस्तों है ना इस सवाल का राइट आंसर तो आपका हो गया अगला सवाल देखते हैं सवाल है कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है बीसीजी वैक्सीन है ये बच्चों किस रोग में प्रयुक्त होती है जल्दी से बताइए क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर बहुत ही शानदार पता नोटाल जी धन्यवाद धन्यवाद जल्दी से बताइए सारे के सारे बच्चे क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर भाई किस चीज बीसीजी की जो वैक्सीन है बीसीजी का जो टीका है आप कह सकते हैं किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है ये तो मतलब बड़ा पॉपुलर सा सवाल हो गया बीसीजी के बारे में तो सबको पता ही होगा भाई ये तो आसान सा सवाल हो गया तो कह सकते हैं ट्यूबर में, टीबी में बोलेंगे या, में, या, रोग आप इसे बच्चों क्या छह रोग याद रखेंगे दोस्तों मतलब भी आपके सवाल का यहां पर सही जवाब हो जाएगा समझे बच्चों बहुत ही शानदार बेहतरीन अगला सवाल देखेंगे भाई सवाल कहता है कि अधिवर्ष या लीप वर्ष का जनक इनमें से किसे माना जाता है भाई आप सबको पता है कि लीप वर्ष में क्या होता है हर चार साल के बाद लगभग क्या आता है आपका जीप लीप वर्ष आता है और जिससे बच्चों क्या आपका जनरली जो फरवरी होती है वही महीना जनली क्या मतलब फरवरी का जो महीना है वो उन्तीस दिन का होता है बच्चों उन्तीस दिन का होता है तो आपसे यहां पर पूछा गया बच्चों लीप वर्ष का जनक किसे कहा गया तो जो अंग्रेजी का बच्चों क्या सकते हैं जूलियस सीजर को कहा जाता है जो हमारा कैलेंडर है जो इंग्लिश कैलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं अं� उसे जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है या ग्रिगेर कैलेंडर बच्चों का कै? ग्रिगेरियन कैलेंडर भी कह सकते हैं कै? ग्रिगेरियन कैलेंडर तो सवाल का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाए जुलियर ठीक है बच्चों जूलियस जूलियज और जिस अंग्रेजी के कैलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं उसे ग्रिगेरियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए समझे बच्चों मतलब हर चार साल के बाद मतलब हर चौथे साल क्या है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बच्चों तीन दिन का क्या होता है आपका वर्ष होता है चलो भाई अगला सवाल है बच्चों अच्छा अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर एक बात बताइए भारत सरकार का भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर ना भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे कि भैया भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है बताइए जल्दी से तो याद रखेंगे संवत संवत है बच्चों कौन सा है? सक आप यहां पर याद रखेंगे बच्चों कौन सा सख संवत क्या है यही भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सब भारत सरकार ने सख संवत को कब एडोप्ट किया था देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देंगे भाई शक संवत को हमने कब एडोप्ट किया था चलो तब तक अगले सवाल की तरफ बढ़ते सवाल है कि पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर कहां की बात चल रही हाँ जी कहां की बात कर बच्चों हां जी तो यहां पर बच्चों अगर बात करेंगे बच्चों यहां पर पूर्वी यूरोपीय देश पर यहां पर बात करें बच्चों पूर्वी यूरोपीय देश की बात करें कहां पर? तो यहां पर क्या है यूक्रेन की बात चले बच्चों कहां की बात चले भाई हाँ जी कहां की बात चलिए बच्चों यूक्रेन की बात चलिए है ना उस समय पर मतलब यूक्रेन कह लो या उस समय पर बच्चों सोवियत संघ एक तरीके से हुआ करता था तो उस समय का यूरोपिय संघ कह सकते हैं तो ये दबाही तबाही होती है बच्चों कहां पर ये जो दुर्घटना है तबाही होती है कहां पर यूक्रेन में होती है अभी आपने देखा होगा ना यूक्रेन और रशिया का विवाद चला है दरअसल यूक्रेन जो था ये पहले रशिया का ही भाग था या बोलेंगे सोवियत संघ का ही भाग होता था सोवियत संघ का विभाजन हुआ 1991 में मतलब उसमें से पंद्रह टुकड़े हो जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो टुकड़ा है वो आपका रशिया होता है ठीक है भाई तो यहां पर याद रखेंगे इसे चेरनोबिल कहा जाता है बच्चों चेरनोबिल की घटना कहा जाता है मतलब बी आपके सवाल का यहां पर सही जवाब हो जाएगा बहुत शानदार अरे वाह बेहतरीन सारे बच्चे जवाब दे रहे बच्चों बहुत शानदार बच्चों बहुत शानदार बच्चो। आप लोग जवाब दे रहे बच्चों ठीक है भाई बहुत शानदार अगला सवाल देखेंगे यारी है ईमान मेरा अच्छा मेरी तो आवाज ही खराब में तो भूल ही गया था है ना तो यार कई बार होता है ना फ्लो फ्लो में गाना निकल जाता है ना बोलवरो में तो गाना गाना है कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी है ना यार मेरी जिंदगी तो भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फलमाया गया था देखिए ये सवाल आपसे एग्जामिनर ने पूछा है है ना यूपी ट्रिपल में आपसे ये सवाल पूछा गया था बताइए सवाल का राइट आंसर क्या है है ना जल्दी से बताइए सारे के सारे बच्चे इस सवाल का राइट आंसर यहां पर क्या होगा हां जी मतलब ऐसा था ना एक बहुत समय पहले जब मैं आ, मतलब तैयारी कर रहा था तो उस समय पे क्या था ना एक बार लाइब्रेरी में बैठे थे अब लाइब्रेरी में बैठे बैठे क्या होता है ना एक मैथ का सवाल मैं सोल्व कर रहा था जो कि मुझे गलती से भी आता नहीं है ना है ना मैथ जो मुझसे सोल्व होता नहीं जल्दी से तो मैथ का सवाल मैं सोल्व करूँ अचानक से क्या होता है ना कि सवाल सोल्व करने के एकदम एक रिलैक्स सा, सा फील होता रहे वाह मजा आ गया है ना तो ऐसी वाली फीलिंग आई तो एकदम से तेजी से मैंने गाना स्टार्ट कर दिया लाइब्रेरी में तो हो सकता है कई बार आपके साथ भी हुआ ऐसा हुआ हो है हाँ जी तो बताएंगे बच्चों सवाल का राइट आंसर क्या है किस फिल्म का ये गाना है तो यहां पर देखेंगे बच्चों यहां पर कौन कौन है तो यहां पर प्राण और आप कह सकते हैं अमिताभ बच्चन आपको देख रहे हैं तो यहां पर सवाल का राइट आंसर जंजीर जंजीर फिल्म का गाना है कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी बहुत शानदार एग्जामिनर के द्वारा आपसे सवाल पूछा गया ऐसे नहीं पूछ रहा हूं मैं समझा आप लोग बहुत शानदार सारे बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं भाई अगला सवाल देखते हैं दोस्तों सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कविता आमार सोमार आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बच्चों टैगोर की पहली कविता नाना नाना ना। इस कविता के बाद बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान कर दूसरा ही सही हो गया यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन जाता है यही क्या बच्चों बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन जाता है इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब क्या है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है तो भैया भारत का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है इन्होंने ही क्या बच्चों भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है ना भारत का राष्ट्रगान बच्चों याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रगान बच्चों उसकी रचना भी यह बोलेंगे कि जनगण मन है ना जनगण मन की रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई है तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बच्चों क्या गीतांजलि की रचना की गई किसकी गीतांजलि की जिसके लिए इन्हें बच्चों क्या मिला है साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था याद रखेंगे किसके लिए गीतांजलि के लिए पता है तुम्हें मजेदार बात क्या है ने एक बार पूछ कह गीतांजलि शब्द का अर्थ क्या है गीतांजलि शब्द का अर्थ क्या आपसे पूछा था ठीक है आप तो आप बताएंगे बच्चों इस शब्द का अर्थ क्या है इसका मतलब है गीतों का उपहार इसका मतलब है गीतों का उपहार दोस्तों याद रखेंगे भाई गीतों का उपहार है ना गीतों का उपहार इसका क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा क्लियर इतनी बात अच्छा ये जनगण मन को पहले जो है भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था ठीक है भाई सवाल सवाल का का राइट राइट आंसर आंसर मैंने बता दिया बच्चों बी दि आपके का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव कहा जाता था ठीक है समझे बच्चों बहुत शानदार अगला सवाल देखते हैं भाई अच्छा ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर यहां पर है मैं तो सारी जानकारी मैंने इनके बारे में दे ही दी उसी पेज पे दे दिए पिछले पे ठीक है तो बच्चों कह सकते हैं क्या गुरुदेव इन्हें कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन बच्चों कह सकते हैं इसकी स्थापना की जाती है और शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा ही शांति निकेतन के कलाकार के द्वारा ही बच्चों कह सकते हैं जो भारतीय संविधान होता है उसे क्या किया गया था चित्रित किया गया था उसे कह सकते हैं सजाया गया था ठीक है यह बात आपको पता होगी अगला सवाल देखते हैं चमेरा बांध किस नदी पर है एक और बेहतरीन सवाल चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है सारे के सारे बच्चे इस सवाल का राइट आंसर देंगे बच्चों क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर कहां पर बनाया जाता है चमेरा बांध तो क्या यह सतलुज नदी पर है क्या यह रावी पर है क्या यह व्यास पर है या कौन सी नदी पर है बच्चों या चिनाब नदी पर है जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे तो यहां पर बोलेंगे किस पर है बच्चों रावी नदी के किनारे पर आपका क्या है चमेरा बांध है अच्छा रावी से मुझे याद आया अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे है तो दरअसल सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था 1921 में आपका हड़प्पा ही खोजा जाता है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया ये तो पहला स्थल है सिंधु नदी के किनारे पर ही होगा ना 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 ये आपका रावी नदी के किनारे पर है हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे पर है मोहनजोदड़ो आपका बच्चों सिंधु नदी के किनारे पर है लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे पर है ठीक है यह सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए हड़प्पा का बहुत बार आप के द्वारा पूछा गया भाई तो यहां पर देखेंगे बच्चों रावी आपके सवाल का राइट आंसर है अच्छा भाई सिंधु जल समझौता में आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूं सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास ये छह नदियां हैं इन्हीं छह नदियों को लेकर सिंधु जल समझौता होता, होता है जिसमें ऊपर वाली तीन नदियां सिंधु झेलम और चिनाब इन तीन का अस्सी प्रतिशत पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा जबकि 20 प्रतिशत पानी भारत इस्तेमाल करेगा नीचे वाली तीन नदियां रावी, रावी सतलज व्यास रावी सतलज व्यास का 80 पानी भारत इस्तेमाल करेगा जबकि 20 प्रतिशत पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा यही आपका सिंधु जल समझौता होता बेहतरीन सवाल जल्दी से बताएंगे बच्चों में है सारे के सारे बच्चे मुझे आप लोग इसका सही जवाब दे दीजिए बच्चों तो कहां पर मिलेगा आपको कहां पर मिलेगा जल्दी से बताएंगे बच्चों तो बोलेंगे बच्चों बच्चों कहां पर महाराष्ट्र में मिलेगा और महाराष्ट्र में भी कहां पर मिलेगा ये आपको मिलेगा बच्चों सतारा में बच्चों कहां पर सतारा में आपको देखने को मिलेगा याद रखेंगे महाराष्ट्र में में सतारा देखने को मिलेगा अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछता हूं भारत भारत का का सबसे ऊंचा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात आप लोगों से पूछा जा सकता है बच्चों ठीक है बच्चों सबसे ऊंचा जलप्रपात तो आप याद रखेंगे कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों कौन सा कुचिकल जलप्रपात नोट कर लेना दोस्तों कौन सा है कुचिकल जलप्रपात अब ये सबसे ऊंचा है तो सीधी सी बात आप लोगों से यहां से कई सारे सवाल बनेंगे कि कुचिकल जलप्रपात कहां पर है तो दोस्तों याद रखेंगे कर्नाटक में है पूछा जाए किस नदी पर है तो याद रखेंगे वाराही नदी पर है कहां पर बच्चों वाराही नदी पर है हालांकि आप याद रखेंगे एक कर्नाटक में एक और जलप्रपात है जिसपे एग्जाम कई बार आप लोगों से पूछ लेता है जैसे गरशोप्पा जलप्रपात कौन सा दोस्तों घरशोपा जलप्रपात आप लोगों से पूछा जा सकता है और अगर घरसोपा जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह कहां पर है दोस्तों यह भी आपका कर्नाटक में है और कहां पर है तो याद रखेंगे शरावती नदी पर है बच्चों कहां पर शरावती नदी पर है यह भी आप अच्छे से याद रख लेंगे इस सवाल का राइट आंसर कौन सा है महाराष्ट्र तो बच्चों तो बच्चोंगढ़ वाटरफॉल आपका कह दिया मैंने कहां पर है महाराष्ट्र के सतारा में है बाकी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ क्लास अगर मैं आप, क्लास में आपको मजा आ रहा है तो क्लास को सारे बच्चे मिलकर लाइक भी करते रहेंगे दोस्तों ठीक है भाई अगला सवाल देखते हैं सवाल है कि अठारह अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव शास्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों ने मतलब नेतृत्व किया था जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शास्त्रकार पर कब्जा कर लिया था हाँ जी बच्चों सारे बच्चे जवाब देंगे किसके बारे में यहां पर बात करें बच्चों हां जी जल्दी से बताइए सारे सारे के सारे बच्चे हाँ जी तो किसने किया था इसका नेतृत्व जल्दी से सारे सारे बच्चे मुझे जवाब दे दो क्या होगा सवाल का राइट आंसर हां जी जल्दी से बताएंगे बच्चों सवाल का राइट आंसर क्या होगा हां जी क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर हां जी तो यहां पर अगर देखा जाए तो बच्चों यहां पर एक पूरी की पूरी बहुत सारे लोग होते हैं यहां पर क्या है कई सारे क्रांतिकारी होते हैं और उसमें मुख्य नेता होते हैं सूर्यसेन यहां पर जो मुख्य नेता होते हैं इसमें मुख्य नेता होते हैं कौन सूर्यसेन होते हैं इन्हीं सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है बात आपको पता होना चाहिए लेकिन यहां पर सूर्यसेन का नाम कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है लेकिन गणेश घोष इसी में से एक थे तो इस वजह से एग्जाम ने इसका सवाल का जो सही जवाब माना है गणेश घोष को माना है बच्चे कैसे माना है गणेश घोष को माना है यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए समझे बच्चों हाँ जी कहा जाता है कि यहां पर टोटल अठारह क्रांतिकारी बच्चों कह सकते हैं यहां पर कह सकते हैं शास्त्रकार की बच्चों पूरी तरीके से यहां पर लूट कर ली गई थी बच्चों को शास्त्रगार की पूरी तरीके से यहां पर लूट कर ली गई थी इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए अलग अलग संख्या तो अलग अलग कई जगह पर लिखी हुई है लेकिन याद रखेंगे मुख्य नेता यहां पर कौन होते हैं सूर्यसेन होते हैं उसी में से एक नेता होते हैं बच्चों आपके गणेश घोष होते हैं लेकिन मुख्य नेता आपको ये याद रखना चाहिए सूर्यसेन ही होते हैं जो मास्टर दा के नाम से जाना जाता है और ये भी आपसे सवाल पूछा गया है कि सूर्यसेन को किस नाम से जाना जाता था ठीक है के के नाम के नाम से एक मूवी भी है अगर आपको पता होगा तो मनोज वाजपेयी ने बच्चों क्या है सूर्यसेन का रोल उसमें निभाया है ये बात भी आपको पता होना चाहिए सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया बच्चों क्या है कि बी आपके सवाल का सही जवाब है अगला सवाल पे आने से पहले एक जानकारी आपको देता हूं बच्चों अगले सवाल पे आएंगे उससे पहले एक जानकारी आपको देता हूं कि भैया जीएस मंथन के नाम से खास इवेंट बच्चों आपके एग्जामपुर मेन चैनल पर आ रहा है कब आ रहा है 20 अगस्त को शाम को 7:50 बजे 7:50 पे तो सारे के सारे बच्चे इस इवेंट में कुछ खास बच्चों आपके लिए आने वाला है वो खास ये है कि आपकी जीएस की संपूर्ण समस्याओं का समाधान एक तरीके से आपको यहां पर मिलने वाला है ठीक है मतलब आपको जो है अलग अलग जगह मतलब पैट के लिए कांस्टेबल के लिए एसआई SI के लिए लेखपाल के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए आपको अलग अलग से जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है एक ही समाधान आपको यहां पर मिलने वाला है जिसमें क्या रहेगा सीजे वो आपको यहीं पर आपको आकर पता चलेगी बीस अगस्त को शाम को सात बजे तो इस इवेंट को लाइक कर देना रिमाइंडर सेट कर लेना बाकी अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा बच्चों हाँ जी जल्दी से बताइए बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायस राय डैश के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन कब किया गया था 1905 में किया गया था किसके द्वारा किया गया तो याद रखेंगे बच्चों लॉर्ड कर्जन के द्वारा बच्चों किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है इसी के बाद बच्चों स्वदेशी आंदोलन आपका स्टार्ट किया जाता है समझे बच्चों इसी के बाद आपका स्वदेश आंदोलन स्टार्ट किया जाता है इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए समझे बच्चों और अगर बात करें कि प्रभावी कब होता है बच्चों ये बंगाल विभाजन कब प्रभावी होता है ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं कि प्रभावी कब होता है बस 1905 पता है है इतना काफी होता है. लेकिन प्रभावी में कुछ खास है तो ये प्रभावी हुआ कब 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर बच्चों क्या है है 1905 को ये प्रभावी हो जाता है. तो 16 अक्टूबर मतलब इस, इसका मतलब इसमें कुछ खास है क्योंकि बच्चों पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर को क्या है शोक दिवस के रूप में मनाया गया ठीक है बच्चों शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया यह बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए समझे भाई लेकिन एक सवाल बड़ा बेहतरीन के, के समय एडिशनल या गवर्नर जनरल अच्छा आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो मैंने पहले इसके बारे में आपको बताया हुआ है अगर आप देखता हूं आपको कितना याद है या नए हैं और आप जवाब दे रहे तो ये तो बहुत ही शानदार बेहतरीन अगर आप ऐसा जवाब दे रहे हैं तो बताइए बच्चों कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन के समय सहायक गवर्नर जनरल सहायक यूपी ट्रप्लास्टी के द्वारा ही आपसे सवाल पूछा जा चुका है सहायक गवर्नर जनरल है ना सहायक गवर्नर जनरल कौन थे जल्दी से बताइए बच्चों कि बंगाल विभाजन के समय सहायक गवर्नर जनरल कौन थे बहुत ही शानदार मैं इंतजार करूं आपके जवाब का अरे वाह कुछ बच्चे प्रवेश कुमार जी लिखना चाह रहे लेकिन मतलब थोड़ा सा एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पा रहे अरे वाह कमांडो जी बहुत शानदार एंड्रूज फ्रेजर कौन है बच्चों? एंड्रूज सर एंड्रूज लीथ फ्रेजर पूरा लिखना चाहे सर एंड्रूज लीथ फ्रेजर है, ना? लीथ फ्रेजर आप याद ये क्या होते है? कि बंगाल विभाजन के समय एडिशनल गवर्नर जनरल या सहायक गवर्नर जनरल होते हैं बच्चों ठीक है बच्चों एक बच्चा कुछ सवाल पूछे मैं एक बार देख लेता हूं भाई है ना अंजलि का क्या कुछ कह रहे थे कि बच्चे ने कुछ बोला था चलो दिखा नहीं मुझे सवाल फिलहाल बी आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे सवाल के कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है ये भी यूपी ट्रपेसी में आपसे मतलब सवाल पूछा जा चुका है और यह शायद वीडियो के एग्जाम में सवाल पूछा गया था अगर जितना मुझे सही याद आ रहा है तो वीडियो के एग्जाम में आपसे सवाल पूछा गया तो आपके इसी लेवल का एक तरीके से एग्जाम है आप मुझे बताइए सवाल का राइट आंसर क्या दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों तो डी ऑप्शन है आपका भारत और डी आपके सवाल का क्या है यहां पर सही जवाब हो जाएगा समझे बच्चों मतलब सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बच्चों कह सकते हैं भारत में प्रयोग हो रहे हैं इसी वजह से भारत का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार भारत को ही माना गया अगला सवाल

मौलिक अधिकार उप समिति के बच्चों को पता होना है संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों संविधान समिति के अध्यक्ष बच्चों कौन होते हैं तो यहां पर कौन होते नेहरू होते हैं या जवाहरलाल नेहरू होते हैं इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए आपसे पूछा जाए कि प्रांतीय संविधान समिति प्रांतीय संविधान समिति आप लोगों से पूछा जाए प्रांतीय संविधान समिति आप लोगों से पूछा जाए तो यहां पर क्या जवाब देंगे तो यहां पर होते हैं बच्चों कौन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल आपसे पूछा जाए राष्ट्र ध्वज समिति इस पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं पता नहीं क्यों मतलब कुछ किताबों में लिख दिया गया कि बच्चों के जेबी विक्रप्राणी राष्ट्र ध्वज समिति या झंडा समिति के अध्यक्ष होते हैं लेकिन किसी भी राष्ट्र ध्वज समिति या झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी क्रप्राणी नहीं है यह बात आप नोट कर लेना बच्चों क्योंकि यहां पर आपका जो जवाब होगा कौन राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे बच्चों कौन राजेंद्र प्रसाद हालांकि राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार गांधी संचालन समिति के अध्यक्ष भी यही हैं आप चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों क्या संचालन समिति है ना संचालन समिति अगर आप लिखेंगे बच्चों तो इसके तो इसके अध्यक्ष कौन है राजेंद्र प्रसाद ही संचालन समिति के के अध्यक्ष अध्यक्ष इवन संविधान सभा यही है भाई संविधान सभा के अध्यक्ष बच्चों कौन होते हैं ये भी आपके राजेंद्र प्रसाद हैं तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करो बच्चों ठीक है इसके कह सकते हैं अध्यक्ष कौन होते हैं तो कह सकते हैं बच्चों कौन बी आर अंबेडकर है ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के क्या होते हैं अध्यक्ष लेकिन पता है आपको मजेदार बात क्या है आप लोग एक सवाल पूछता कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया था अब बहुत सारे बच्चों को लगता है अच्छा प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो अंबेडकर है इसका मतलब प्रारूप इन्होंने ही बनाया ना 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 ना, ना गलती नहीं करेंगे बी एन राव बीएन राव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था और बी एन राव ही संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार होते हैं याद रखेंगे दोस्तों ठीक है भाई तो यहां पर याद रखेंगे ये प्रारूप समिति के क्या होते हैं अध्यक्ष होते हैं बी आर अंबेडकर हालांकि प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर कई सारे सवाल बनते हैं जैसे एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह इस समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य होते हैं इसके सदस्यों पर भी कई बार सवाल पूछ रहे थे फिलहाल बच्चों कह सकते हैं सी आपके सवाल का यहां पर सही जवाब होगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ क्लास में मजा आ रहा है ना तो बता देना कमेंट करके उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हुआ था तो बच्चों कह सकते हैं वीपी सिंह यहां पर थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गई है वीपी सिंह है ना ये मजेदार से थोड़ा सा ट्रांसलेशन हो जाता कई बार वीपी लॉयन लिखा हुआ है ना वीपी सिंह ठीक है वीपी सिंह आप यहां पर याद रखेंगे ठीक है बच्चों तो यहां पर सवाल का राइट आंसर क्या होगा वीपी सिंह के द्वारा बच्चों इसे क्या है लागू किया जाता है मतलब भी आपके सवाल का राइट आंसर है मंडल आयोग किस चीज से संबंधित है भाई मंडल आयोग के बारे में आपसे आप बात करूंगा हां जी मंडल आयोग से किस चीज से संबंधित है मंडल आयोग हां जी बच्चों मंडल आयोग आपका किस चीज से संबंधित है हां जी तो मंडल आयोग बच्चों क्या है ओबीसी आरक्षण से संबंधित है, है और यही बच्चों कहता है कि को चाहिए वीपी सिंह के द्वारा इसे लागू किया जाता है यह बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों एक और बेहतरीन सवाल यदि माता पिता के रक्त समूह ए और ए हैं तो बच्चों के संभावित रक्त समूह क्या होंगे बताइए सारे बच्चे मुझे पता है ज्यादातर बच्चे बेहतरीन जवाब दे रहे भाई हाँ जी बच्चों क्या होगा सवाल का राइट आंसर तो अगर ए और ए की बात कर लो या बी और बी की बात कर लो तो यहां पर क्या होगा बच्चों दो ही पॉसिबिलिटी है या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या ब्लड ग्रुप बच्चों क्या होगा ओ होगा या तो ए होगा या बच्चों या क्या होगा ओ होगा इतनी बात आपको पता होना चाहिए इसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप बच्चों क्या है कि बी इंटू बी है तो यहां पर भी क्या होगा भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि या तो बी होगा या बच्चों क्या होगा ओ होगा क्लियर इतनी बात बच्चों हाँ जी क्लियर है इतनी बात या नहीं हा जी समझे इतनी बात या नहीं इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि भैया अगर ओ इन टू बी हो जाए तो क्या होगा तो यहां पर भी बच्चों क्या है या तो ओ होगा या बी होगा अगर बच्चों क्या है ए इंटू ए इंटू ओ हो जाए तो क्या होगा बच्चों तो यहां पर भी क्या है या तो ओ होगा या बच्चों क्या होगा होगा इसी पैटर्न पे इसी तरीके से आप लोगों से कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे आपसे पूछ पूछे जाए कि अगर ए हो या ए बी हो तो ऐसे में क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बताइए जरा कि अगर ए हो या ए बी हो तो यहां पर याद रखेंगे ए बी हो सकता है बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है लेकिन ओ नहीं होगा ओ नहीं होगा याद रखेंगे बच्चों इसी तरीके से बी हो और ए बी हो माता पिता के ब्लड ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं आपसे नोट करते चलना तो यहां पर या तो ए होगा सेम वही या बी होगा या बच्चों क्या होगा ए बी होगा याद रखेंगे इसी पैटर्न पे आप लोगों से कई बार एग्जाम सवाल पूछ लेता है लेकिन पता है बात माज़दार, क्या है? अगर आपसे पूछा ए बी हो और दूसरा अब क्या होगा भाई माता का ब्लड ग्रुप ए बी और मतलब क्या बनेगा ए बनेगा बी बनेगा और ए बी यहां पर बन जाएगा ए बी बच्चों यहां पर बन जाएगा समझ में बात बच्चों समझ में इतनी बात या नहीं हाँ जी समझ में इतनी बात या नहीं बच्चों हाँ जी हाँ जी अच्छा अगर सोचो एक का ब्लड ग्रुप ए है एक का ब्लड ग्रुप बी है यहां पर क्या बनेगा मैं पता बता क्या है यहां पर सारे बन जाएंगे ए भी बन जाएगा बी भी बन जाएगा ए बी भी बन जाएगा और आपका ओ भी बन जाएगा समझे बच्चे इतनी बात ओ भी बनेगा ए बी बनेगा बी बनेगा और ए बी भी बनेगा सारे के सारी पॉसिबिलिटी यहां पर हो जाती है सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपकी यहां पर हो जाती है तो सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया डी बाकी सारी चीजें आप लोग नोट कर लेना समझे बच्चों सारी चीजें आप लोग यहां पर क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे ठीक है भाई अगला सवाल देखते हैं तब तक सवाल है कि कामाय की रचनाकार कौन है एक और बेहतरीन सा सवाल हाँ जी हो सकता है कि आपने हिंदी में भी इसे पढ़ा हो तो भैया यहां पर एक नाम लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद बहुत पॉपुलर रचना है कामायनी समझे बच्चों बहुत पॉपुलर हालांकि लहर झरना आंसू ये सब इन्हीं की रचना है ठीक है कौन कौन से बच्चों लहर की बात कर लो झरना की बात कर लो किसकी बात कर लो झरना की बात कर लो, लो आंसू की बात कर लो ये सब किसकी रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है ये भी आपको चाहे तो पता होना चाहिए चाहे अच्छा तो आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों ठीक है भाई तो सवाल का राइट आंसर है अच्छा यहां पर रामधारी सिंह दिनकर वाह 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 रामधारी दिनकर है ना तो खतरनाक मतलब शानदार से लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर हाँ जी इनके बारे में इनकी कोई कविता इनकी कोई लेखन कोई आप मुझे कमेंट करके बताइए रामधारी सिंह दिनकर तो रामधारी सिंह दिनकर की अगर रश्मि रथी पढ़ेंगे आप मजा आ जाएगा है ना बेहतरीन शानदार है ना मतलब नेक्स्ट लेवल लगता है कि मुझे कई बार मतलब रश्मि रथी जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट करी मुझे लगा कि मतलब इस लेवल का लिख गए कि शायद मतलब बड़ा लगभग बहुत मुश्किल ऐसा समझ लीजिए इस लेवल का लिखना ठीक है रामधारी सिंह दिन, दिनकर का जब आप रश्मि रथी पढ़ेंगे मजा आए रोंगटे खड़े हो जाएंगे मतलब ठीक है भाई तो फिलहाल जो है डी आपके सवाल का राइट आंसर है आजकल तो मतलब मुझे जो है मतलब मैंने बताया भी था मतलब आजकल तो मैं वो पढ़ रहा हूं इनका हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला तो मजा आ रहा है उसमें पढ़ने में लेकिन रश्मि रथी में एक नेक्स्ट लेवल का फीलिंग आएगी आपको अगला सवाल देखेंगे वर्ष दो वर्ष 2022 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया सबसे सब शक्तिशाली पासपोर्ट 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 सबसे सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली किसका माना गया बच्चों यहां पर बोलेंगे जापान के को ज्यादा श्रेणी आपका यहां पर रखा गया बच्चों समझे इतनी बात बच्चों जापान को हाँ जी हालांकि इसमें जापान के साथ सिंगापुर को भी रखा गया आप चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों जापान के साथ यहां पर किसे रखा गया सिंगापुर को यहां पर रखा गया जापान के साथ बच्चों क्या है सिंगापुर को यहां पर रखा गया इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए लेकिन भारत का स्थान कौन सा है हाँ जी भारत का स्थान कौन सा है तो 2021 में भारत दो हजार इक्कीस में भारत का स्थान कौन सा है 85 आप याद रखेंगे बच्चों अगर यहां पर नब्बे बाईस इंडिया का स्थान कौन सा है तो इंडिया का एट्टी फाइव नंबर है आप समझ सकते हैं पिछासीवा नंबर है इंडिया का सबसे पहले नंबर पर कौन है सिंगापुर और जापान मतलब सवाल का राइट आंसर ए अगला सवाल देखेंगे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान <coughs> दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर एक और बेहतरीन सवाल तो यहां पर बच्चों क्या होगा कि भोपाल पटना हैदराबाद और बच्चों यहां पर सवाल का राइट आंसर क्या है कानपुर आपके सवाल का सही जवाब है अनुसंधान संस्थान की जब बात करते हैं तो आपको याद होगा मैंने बहुत बार आपको अनुसंधान संस्थान पढ़ाए जैसे मैं आपसे पूछूं कि चावल अनुसंधान संस्थान आपको आपको कहां पर मिलेगा तो पता है कि बच्चों कटक में आपको देखने को मिलेगा आपसे पूछा जाए कि आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर मिलेगा आप बोलेंगे बच्चों कहां पर शिमला में आपको देखने को मिलेगा कहां पर बच्चों शिमला में आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसी तरीके से आपसे पूछा जाए लाख रिसर्च सेंटर आपको कहां पर मिलेगा लाख रिसर्च सेंटर बच्चों कहां पर मिलेगा रांची में मिलेगा ठीक है बच्चों उसके अलावा भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान तो ये आपको मिलेगा बच्चों कहां पर रुड़की में आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछा बच्चो, पे है बच्चों इसी पैटर्न पे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे वन अनुसंधान संस्थान तो ये आपको मिले आपको मिलेगा मिलेगा देहरादून देहरादून में में बच्चों कहां पर तंबाकू अनुसंधान संस्थान आप लोगों से पूछा जाए तो मिलेगा आपको राजमुंदरी में बच्चों कहां पर राजमुंदरी में इसी तरीके से आप लोगों से पूछा जाए डेयरी अनुसंधान संस्थान तो डेयरी अनुसंधान संस्थान मिलेगा बच्चों कहां पर करनाल में आपको यह देखने को मिलेगा आपसे पूछा जाए ड्रग रिसर्च सेंटर

सवाल कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय कौन सा है रामचरितमानस की बात कर रहे हैं और रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड आप लोगों से पूछा गया बताएंगे बच्चे सब लोग क्या होगा आपके सवाल का रायता आंसर सबसे लंबा कांड आपका यहां पर कौन होगा हां जी गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है और यहां पर जो बाल कांड है यहां पर जो बाल कांड है ये सबसे लंबा कांड है इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए लेकिन जब लंबा पूछा है तो इसका मतलब सबसे छोटा कांड भी आपसे पूछा जा सकता है तो बताइए कमेंट करके कि सबसे छोटा कौन सा है बच्चों सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि सबसे छोटा कांड या सबसे छोटा अध्याय सबसे छोटा अध्याय आप लोगों से पूछा जाए तो क्या जवाब होगा बच्चों सारे बच्चे जवाब देंगे सबसे छोटा अध्याय आपको यहां पर कौन सा मिलेगा तो क्रिस्कंड मतलब बोलोगे बच्चों क्या है इस सवाल का राइट आंसर आपका ए है अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं आपका अगला सवाल यहां पर क्या कहते हैं ठीक है भाई सबसे छोटा मैंने बता दिया कौन सा हाँ जी क्रिस कंधा कह कह सकते हैं बच्चों कौन सा सकते हैं सबसे छोटा अगला सवाल देखेंगे अच्छा सवाल पे अभी सवाल है दोस्तों अभी सवाल है लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं कि भैया जीएस के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस मंथन के नाम से खास इवेंट आपका आ रहा है ठीक है और इक्का बार है बच्चों बीस अगस्त को आ रहा है शाम को सात पचास

आप बच्चा हर एग्जाम की तैयारी करता है हर एग्जाम में उसे जीएस पढ़ना है पड़ेगा एक ही जगह सब कुछ समाधान आपको मिल जाए आप पूछते भी कि सर कोई किताब बता दीजिए तो संपूर्ण समाधान है क्या है कैसे रहेगा क्या चीजें रहेंगी वो आपको जानना पड़ेगा बच्चों का बीस अगस्त को सात बजे इस इवेंट को बच्चों सारे बच्चे लाइक कर देंगे इसका रिमाइंडर सेट जरूर कर लेना ठीक है भाई मेन चैनल पर आपका इवेंट बना हुआ आप देख लेंगे अब आ जाते हैं सवाल की तरफ सवाल है कि किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था इसमें से चार सारे के सारे ऑप्शन आपके यहां पर दिए हुए इसमें से किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता था सारे बच्चे मुझे कमेंट करके सवाल का जवाब देंगे बच्चों ये आपका क्या रहेगा मेरे तरफ से आज का होमवर्क रहेगा ये आपका बच्चों क्या है आज का होमवर्क है और भाई इस सवाल का जवाब भी देना साथ में आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताना है और हां मैं चेक करूंगा कि किसके कितने लाइक इसमें बढ़ गए बच्चों ठीक है भाई इस इवेंट को लाइक कर देंगे सारे बच्चे ये मैं चेक करूंगा और उसके अलावा इसका होमवर्क आपको देना है क्लास को लाइक कर देना मैंने अभी तक आप लोगों से बोला नहीं है तो सारे के सारे बच्चे मिलकर एक बार क्लास को तेजी से लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया ठीक है धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ लगातार बने के लिए आप शानदार तरीके से पढ़ रहे थे रोजाना पंचोल रही कंटिन्यू तरीके से पढ़ते रहिए बच्चों सुबह नौ बजे मिलेंगे और शाम को सात बजे दो दो मेरी क्लास चलती है टाटा बाय बाय सभी को बाय दोस्तों